हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपीज को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, येट इट इज सो टेस्टी कि आप खाते ही कहेंगे वाह क्या रेसिपी है। जी हाँ, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है हरियाली चिकन, या तो आप इसे ग्रीन चिकन भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा वो इतना सुपर होगा कि आप खाते ही इसको वाह वाह करते नहीं रुकेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए हम देखते हैं अपने हरियाली चिकन के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ग्रीन चिकन के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है बोनलेस चिकन, आप बोन वाला भी ले सकते हैं, मैंने बोनलेस यूज़ किया है। साथ ही इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है बड़ी हरी मिर्च, जो कि अचार में यूज़ होती है। इसको मैंने काट कर अच्छे से डीसीड कर लिया है, यानी सारे बीज इसके निकाल दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है बट ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर इम्पार्ट करेगी हमारे चिकन को। और साथ ही में मैंने एक बड़ी प्याज लिया है, थोड़ी सी फ्रेश धनिया के पत्ते, जिंजर गार्लिक और फ्रेश दही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रीन चिकन बनाना और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कि हम कब क्या डाल रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगा और साथ ही में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और इसी के साथ ही हम अपने इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। चिकन को हमें 80-85% तक कुक करना है और बाकी का चिकन हम मसाले के साथ बनाएंगे। तो अभी हम चिकन को 80-85% तक ही सॉटे करेंगे। तो इस स्टेज पर जब हमारा चिकन सॉटे हो रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करके चिकन को सॉटे करेंगे। हमने चिकन को 3-4 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको 1-2 मिनट तक और सॉटे कर अलग प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को हमने 5-6 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लिया है और ये अराउंड 85% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम अपने प्याज डालेंगे और साथ ही इसके जो हमने हरी मिर्च डीसीड करके रखी थी हम वो डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक सॉटे करेंगे। हमें प्याज में कलर बिल्कुल नहीं लाना है, हमें इन्हें बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है क्योंकि इसके बाद हमें इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर एक अच्छा पेस्ट तैयार करना है। तो इसे बस हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। देखिए, हमारे प्याज और मिर्च सॉटे हो रहे हैं, इसी में हम अपना फ्रेश गार्लिक और जिंजर भी डालकर इनको थोड़ी देर सॉटे करेंगे और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। हमारे प्याज और मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्सर में एक पेस्ट तैयार करेंगे और इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती भी डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट ग्रीन कलर का पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए
अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करकर मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए हमने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है अपने मसाले का। अब हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे जब तक कि इसमें से पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है ये, वाओ। इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमने मसाले को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून दिया है। अब हम इसमें करीब 2 टीस्पून फेटी हुई दही डालेंगे और इसको फर्दर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर निकल के आ रहा है, कितना वाइब्रेंट ग्रीन है और खाने में ये और भी ज्यादा यम्मी लगेगा। हमने मसाले को 10 से 12 मिनट तक अच्छे से सौटे कर लिया था। देखिए इसमें तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और साथ ही में अब अपने चिकन को भी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और इसको तब तक पका लेंगे जब तक चिकन पूरी तरह से ना पक जाए, और जैसे चिकन पूरा पक जाएगा हम इसे ऑफ कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर निकल के आ रहा है। हमारा चिकन पूरी तरह से पक चुका है। अब लास्ट में हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी क्रश्ड पेपर डालेंगे और करीब 1 टीस्पून क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको प्लेट करेंगे। तो चलिए हमारा ग्रीन चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। और व्यूअर्स प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई नई रेसिपीज लाने के लिए।